राधे राधे एंड आई एम बैक विद माई न्यू वीडियो एंड टिल नाउ वी हैव डिस्कस द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रॉबिलिटी में हम क्या करते थे कि अगर हमारे पास दो इवेंट्स हैं दो इवेंट्स हमें दे रखे हैं उनमें से एक हमारे पास पहले अक्कर चुका है फिर हम दूसरे की होने की प्रोबेबिलिटी बताते थे कि दूसरा इवेंट होगा तो उसकी क्या प्रॉबिलिटी होगी और आज हम अपना न्यू टॉपिक करेंगे जो है लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो तो लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या है एक कलेक्शन है इक्वेशंस का जो कि इवेंट्स को रिलेट करके बनाया जाता है मतलब हम इवेंट्स को इवेंट्स uh, को रिलेट कर देंगे आपस में कि इस टाइप के इवेंट्स हैं और फिर हम उसको इक्वेशंस में लेकर आते हैं और वो ही हमारे लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी होते हैं तो वैलिडिटी इनकी किस पे डिपेंड करती है कि भी कि जो इवेंट्स हैं वो किस टाइप के हैं अगर इवेंट्स हमने टाइप्स किए थे इवेंट्स के म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इंडिपेंडेंट इवेंट्स डिपेंडेंट इवेंट्स अगर तो इस टाइप के इवेंट्स हैं तो उस पर कौन सा लॉ होल्ड करेगा ये वैलिडिटी जो है हमारे इवेंट्स बताएंगे और साथ में हमें कुछ एजम्पन्स लेनी पड़ती हैं कि इवेंट्स किस टाइप के हैं और इवेंट्स के ऊपर क्या एजम्पन लगानी चाहिए ताकि जो हमारा लॉ है वो कौन सा होल्ड करेगा ठीक है और हमारे पास हमारे पास कुछ लिस्ट है हमारे पास कि कौन कौन से लॉज होते हैं कैसे पता चलेगा लिस्ट का कि हमारे पास जैसे दो इवेंट्स हैं दो में से किसी एक को हमने अक्र करना है कि एटलीस्ट वन विल अकर या फिर दोनों के दोनों अकर करेंगे ठीक है एटलीस्ट वन या फिर बोथ द इवेंट्स तो वहाँ पे हमारे पास अलग अलग लॉज बन जाते हैं तो लॉज ऑफ़ प्रोबिलिटीज़ बेसिकली क्या है लॉज ऑफ़ प्रोबिलिटीज़ इज़ अ कलेक्शन ऑफ इक्वेशंस दैट डिफाइन प्रोबेबलिस्टिक रिलेशनशिप अमंग इवेंट्स इवेंट्स के बीच में रिलेशन बताएगा द वैलिडिटी ऑफ ईच इक्वेशन और प्रॉबिलिटी लॉ ऑफन डिपेंड्स ऑन द इवेंट्स हैविंग मेट सर्टेन कंडीशंस कि इवेंट्स जो हैं वो कुछ ना कुछ कंडीशन में होने चाहिए कोई ना कोई उसमें रिलेशन होना चाहिए तो वहाँ से हमें वैलिडिटी का पता चलेगा कि कौन सा लॉ वैलिड है इसके लिए दस ईच लॉ इज़ अ कंपनीड बाय अ लिस्ट ऑफ वट मस्ट बी अज्यूम्ड अबाउट द इवेंट्स इन क्वेश्चन फॉर द लॉ टू होल्ड कौन सा लॉ होल्ड करेगा यह हमें इवेंट्स के बारे में जो असम्पशन हमने ली है वो बताएगा कि कौन सा लॉ होल्ड कराना चाहिए यहाँ पे देर इज नो स्पेसिफिक नंबर और सेट ऑफ इक्वेश डिफाइंड बाय द टर्म लॉज ऑफ़ प्रोबेबिलिटी दैट कवर्स प्रोबलिस्टिक रिलेशनशिप दैट आर मोस्ट ऑफन ऑफ इंटरेस्ट दच ऑज द प्रोबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ द टू इवेंट्स अक्कर और द प्रोबिलिटी दैट टू इवेंट गिवन हेयर यहाँ पे लिस्ट दे रखी है हमने कि अगर हमने दो में से किसी एक को करवाना है या दोनों के दोनों अक्कर होने चाहिए तो उसके लिए कौन कौन से लॉज लगते हैं तो सबसे पहला लॉ हमारे पास है एडिशन थ्योरम या फिर एडिशन लॉ ऑफ प्रोबिलिटी सो इन द लास्ट लेसन वी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट एज वेल एज द एक्मेटिक अप्रोच फॉर्मुलेटेड बाय रशियन मैथमेटिशियन ए एन कॉलमोग्रोव हमने लास्ट लेसन में स्टडी किया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं ठीक है और साथ ही हमने एक एग्जोमेटिक अप्रोच करी थी थ्री अप्रोचेस की थी हमने मैथमेटिकल, एम्पेरिकल और एग्जोमेटिक uh, अप्रोच तो एग्जोमेटिक अप्रोच में हमारे पास तीन एग्जोम्स दे चलता है ठीक है तो तीन एग्जाम्स में से एक एग्जाम जो है हमारी वही एडिशन लॉ में होल्ड करती है उसी को हम एडिशन लॉ बोलते हैं क्या था हमारे पास उसमें कि एक प्रोबेबिलिटी जो है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को हम कैसे लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ इवेंट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट जितने भी एक्सपेरिमेंट में इवेंट्स हुए आउटकम्स आए हैं उनको एडअप करके लिख सकते हैं है ना सो बाय नाउ यू नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए associated with the discrete sample space is the sum of probabilities assigned to the sample points in A as discussed in the axiomatic approach of probability. जैसा कि हमने axiomatic approach में discuss किया था वो क्या कहता है कि आप किसी भी probability of event A को probability of some uh, event is equal to sum of all the probabilities in the sample space. Sample space में जितने भी events हैं उन सबको add up करके आप उसको लिख सकते हो ठीक है सो मोर ओवर इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स राइटिंग डाउन द एलिमेंट्स ऑफ एस एंड काउंटिंग द नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू गिवन एलिमेंट गिवन इवेंट ऑफन बिकम वेरी टेडियस तो हम क्या करते हैं जब हमारे पास इवेंट्स ज्यादा हो जाते हैं एन जो है वो लार्ज हो जाता है अब जैसे कि मैंने एक ऑन को थाउजेंड टाइम टॉस कर लिया या टेन थाउजेंड टाइम टॉस कर लिया तो उसमें मैं हेड टेल हैड टेल करती करती मतलब क्या हो जाएगा मेरे पास बहुत टेडियस हो जाएगा कि हेड काउंट करो फिर टेल काउंट करो है ना तो प्रॉबिलिटी निकालनी क्या हो जाती है हमारे पास मुश्किल हो जाती है ऐसे केसेस में जब हमारे पास एन लार्ज हो जाता है ठीक है हावअर इन सच सिचुएशन द कम्पिटिशन ऑफ प्रॉबिबिलिटीज कैन बी फैसिलिटेटेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एडिशन तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एडिशन का यूज करके हम उसको अपने लेबर uh, को कम कर सकते हैं इन दिस लेसन वी विल लर्न द एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबिबिलिटी to फाइंड the probability ऑफ occurrence फॉर simultaneous ट्रायल्स अंडर टू कंडीशंस दो ट्रायल्स अगर हमारे पास साइमल्टेनियसली अक्कर हो रहे हैं तो हम उसको टू कंडीशंस के अंदर स्टडी कर सकते हैं क्या क्या दो कंडीशंस हैं हमारे पास फर्स्ट इज द इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड वेन द इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दो कंडीशन हैं जब तो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों तब भी हम उसको निकाल सकते हैं या फिर इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो तब भी हम उसको एडिशन थ्योरम लगा सकते हैं उसमें तो कैसे लगाएंगे केस वन हम लेके चल रहे हैं द वेन इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव द एडिशन डिस्कस्ड इज एप्लीकेबल वेन द इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तब भी उसको अप्लाई कर सकते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तब भी उसको अप्लाई कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ द इफ वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ फिफ्टी टू कार्ड्स अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होंगे सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन से होंगे जब हमारे पास एक ही हैपनिंग ऑफ वन प्रिक्लूड्स द हैपनिंग ऑफ अदर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वही होते हैं कि एक की हैपनिंग जो है वो दूसरे को प्रिक्लूड कर दे और नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन से होंगे कि एक की हैपनिंग दूसरे को प्रिक्लूड ना करे मतलब दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन चीज आए है ना दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन चीज़ अगर आ रही है दो इवेंट्स में तो वो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है अगर एक की हैपनिंग दूसरे को बिल्कुल खत्म कर दे कि एक हो गया तो दूसरा तो हो ही नहीं सकता तो वहां पे उस केस में वो इवेंट्स जो हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे ठीक है अब जैसे ये एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम फॉर एग्जांपल इफ वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ फिफ्टी टू कार्ड्स देन इन ऑर्डर टू फाइंड द प्रोबिलिटी ऑफ आइदर अ स्पेड और अ किंग अब जब आइदर और और का केस आ जाए तो उसका मतलब क्या है कि या तो हमें किंग चाहिए या फिर हमें स्पेड चाहिए ठीक है तो यहाँ पे इस केस में सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि दोनों क्या दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या नहीं है अब स्पेड आ जाए ऐसा तो नहीं हो सकता कि स्पेड आ गया तो किंग नहीं आ सकता या फिर किंग आ गया तो स्पेड नहीं आ सकता या फिर दोनों में कुछ कॉमन चीज़ हो कि स्पेड वाला भी तो किंग हो सकता है है ना तो स्पेड वाला किंग हो सकता है तो दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन चीज़ आ गई ठीक है क्योंकि किंग जो है वो चार होते हैं हमारे पास एक आ, रेड तो मतलब डायमंड हार्ट और क्लब्स और स्पेड चार किंग होंगे अब किंग वाला स्पेड निकल आए जो किंग आया है वही स्पेड हो जाए ठीक है स्पेड वाला कार्ड किंग हो जाए तो वहां पे उस केस में दोनों में कॉमन चीज आ गई है हमारे पास तो जब इस तरीके के इवेंट्स में दो दो इवेंट्स में कॉमन चीज कुछ निकल के आ जाए तो वहां पे वो इवेंट्स जो है वो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे ठीक है इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाय सिंपली एडिंग द प्रॉबिलिटीज़ ऑफ स्पेड एंड अ किंग अब यहाँ पर हम क्या कर नहीं कर सकते अभी हमने जैसे लास्ट स्लाइड में बताया कि प्रॉबिबिलिटीज को हम क्या लिख सकते हैं एज अ सम ऑफ इवेंट्स है ना तो यहाँ पर इवेंट्स क्या हैं स्पेड किंग तो यहाँ पर सिंपली हम स्पेड प्लस किंग नहीं कर सकते कि प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग यहाँ पर हम ये नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर दो दोनों में से एक चीज़ कॉमन है कि स्पेड वाला कार्ड ही किंग निकल आए तो दोनों में अगर एक चीज कॉमन आ जाती है तो उस केस में हमें इंटरसेक्शन वाला पार्ट जो है वो माइनस करना पड़ता है तो यहाँ पे क्या है द इवेंट्स आर बिकॉज द इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एज देयर इज वन कार्ड विच इज स्पेड एज वेल एज किंग जो स्पेड भी हो और किंग भी हो मतलब स्पेड वाला कार्ड ही किंग निकल के आ जाए ठीक है दस द इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देर फोर एडिशन थ्योरम इज मॉडिफाइड एज तो हम उस केस में एडिशन थ्योरम कैसे करेंगे तो एडिशन लॉ उस केस में क्या हो जाएगा उसकी स्टेटमेंट क्या होगी इफ ए एंड बी आर टू नॉन नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स अब यहाँ पे नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ठीक है द प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ आइदर ए और बी मतलब या तो ए या फिर बी की अकरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट ए अकर्स प्लस द प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट बी अकर्स माइनस द प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ इवेंट्स कॉमन टू बोथ ए एंड बी एक ऐसा पार्ट जो दोनों में कॉमन हो जाए उसको माइनस करेंगे इन अदर वर्ड्स द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द गेम वन ऑफ देम इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इसको बोलते हैं हम यूनियन ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ या तो ए या फिर बी आइदर और और का केस जब भी आएगा तो आप ये यूनियन वाला साइन लगाएंगे यूनियन का मतलब क्या होगा कि अगर आपके पास ए इवेंट ये है बी इवेंट ये है तो यूनियन वाला पार्ट क्या होगा ये प्लस ये ये सारा इसके इंटरसेक्शन को माइनस uh, करेंगे उस केस में हम ठीक है इसको माइनस करके ये और ये वाला पार्ट हमारे पास ए यूनियन बी के अंडर आ जाएगा ठीक है सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन दो दोनों के कॉमन पार्ट होगा वो उसको हम माइनस करेंगे ठीक है तो इसका प्रूफ देख लेते हैं कैसा आएगा तो प्रोबेबिलिटी जब भी हम किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फेवरेबल टू द इवेंट जैसे हमें ए की प्रोबीबिलिटी निकालनी है तो नंबर ऑफ इवेंट्स फेवरेबल टू ए अपॉन में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैम्पल स्पेस है ना या फिर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जॉस्टिव केसेज यही करते हैं तो यहाँ पर सेम हमने यही चीज़ की है कि ए यूनियन बी की प्रॉबीबिलिटी निकालनी है तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी अपॉन में एग्जॉसटिव केसेज अब यहाँ पे एग्जॉसटिव केसेज कितने हैं एस सैम्पल स्पेस ही एक्जॉस्टिव केस होगा हमारे पास जितने भी सैम्पल स्पेस में एलिमेंट्स होंगे वो सारे एग्जॉस्टिव केस में आएंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस और जब सेट थ्योरी की हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी ठीक है अब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स और प्रोबेबिलिटी दोनों डिफरेंट है एन और पी दोनों अलग अलग है यहाँ पे पी मीन्स प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी मीन्स किसी के चांसेस एन मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स कि उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं ठीक है थीके? तो एन और पी ध्यान रखना ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस हो जाएगा ठीक है फिर इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं अब कोई भी कोई भी हमारे पास चीज़ है जैसे ए प्लस बी बाय में सी है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं ए बाय सी प्लस बी बाय सी तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं तो यहाँ पे तीन न्यूमरेटर में तीन पार्ट्स थे हमारे पास तो तीनों को हमने अलग अलग कर दिया ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस है इन तीनों को अलग अलग के बाय में ले गए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस ए अपॉन एस बी अपॉन एस और ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस अब यहाँ पे ये यह क्या हो गया हमारे पास जब ये फेवरेबल बाय में टोटल बनता है तो वो क्या बन जाती है प्रोबेबिलिटी तो अब ये नंबर ऑफ़ फेवरेबल टू ए बाय में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो ये क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब फेवरेबल टू बी अपॉन में टोटल इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में एस है तो वो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास यहाँ से तो ये हमारे पास एडिशन थ्योरम है वन द केसेज आर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जब इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो सबसे पहले चीज़ हमें क्या देखनी है कि इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है ठीक है तो नेक्स्ट आ जाता है रिमार्क्स थोड़े से कि अगर इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ द इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दैट इज हैपनिंग ऑफ वन प्रिक्लूड्स द हैपनिंग ऑफ अदर तो उस केस में क्या होता है कि अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है मतलब ए यहाँ पे आ रहा है बी यहाँ पे आ रहा है कि ए जो है वो बी से किसी भी उसमें रिलेटेड नहीं है कोई कॉमन पार्ट है ही नहीं तो जब कॉमन पार्ट नहीं है तो उसका इंटरसेक्शन क्या होगा फाइव फाइव मीन्स जीरो एक तरह से कुछ भी नहीं है फाइव मीन्स एम सेट ओके तो प्रॉबीबिलिटी क्या हो जाएगी प्रॉबीबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रॉबीबिलिटी ऑफ फाइव फाइव की प्रॉबीबिलिटी क्या होगी जब फाइव कुछ है ही नहीं तो प्रॉबीबिलिटी क्या होगी उसकी ज़ीरो जब उसमें कुछ एलिमेंट ही नहीं है तो उसकी प्रॉबीबिलिटी भी कितनी हो जाएगी ज़ीरो तो जब ए इंटरसेक्शन बी ज़ीरो हो गया तो हमारे पास ये जो थ्योरम थी यूनियन इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन बी तो वहां पर इंटरसेक्शन वाला पार्ट क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा ये पार्ट वहां पर जीरो हो जाएगा तो प्रॉबीबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रॉबिबिलिटी ऑफ बी वहां पर इस केस में ये चीज रहेगा ठीक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबिलिटी ऑफ बी एग्जाम्पल देखते हैं इसका जैसे प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग आईदर अ टू और अ फाइव ऑन अ डाइस इज गिवन बाई तो अब यहाँ पे आइदर अ टू और अ फाइव चाहिए मुझे या तो टू या फाइव अब टू जब आएगा तो फाइव नहीं आएगा उस डाइस पे अगर फाइव आ गया तो टू नहीं आएगा तो दोनों एक दूसरे को प्रिक्लूड कर रहे हैं टू आ गया तो फाइव वाली पॉसिबिलिटी कैंसिल हो रही है फाइव आ गया तो टू वाली पॉसिबिलिटी कैंसिल हो रही है तो ए ए इवेंट हमने ले लिया गेटिंग अ टू बी इवेंट हमने ले लिया गेटिंग अ फाइव तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा आइदर टू और फाइव इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ़ गेटिंग ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी तो यहाँ पे इंटरसेक्शन वाला पार्ट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इंटरसेक्शन का एलिमेंट नहीं होगा यहाँ पे तो ए की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी टू आने की वन बाय सिक्स और फाइव आने की भी वन बाय सिक्स तो अप करेंगे वन बाय थ्री हो जाएगा ठीक है अगर यहाँ पे हमारे पास अब थ्री नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट आ जाते हैं थ्री इवेंट्स आ जाएँ कोई ठीक है अभी तो टू इवेंट्स के लिए किया हमने तो आपके सिलेबस में टू तक का ही आएगा थ्री अगर बाई चांस थ्री तक का आ गया तो मैंने यहाँ पे थ्री का दे रही हूँ लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे टू और थ्री इवेंट्स तक के बीच में आपको पूछेगा कोई भी इवेंट के लिए ठीक है तो अगर यहाँ पे थ्री इवेंट्स के लिए आ गया फॉर थ्री नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स अगर थ्री म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं ए बी सी तो वहाँ पर तो प्रोबिलिटी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पर खत्म हो जाएगा ठीक है अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ठीक है तो प्रोबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रॉबिबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रॉबिबिलिटी ऑफ सी ठीक है लेकिन अगर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है मतलब ए बी और सी तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन पार्ट आ रहा है ठीक है दोनों तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं इन सम मैनर ठीक है तो वहाँ पे क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रॉबिलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन बी प्रोबिल माइनस प्रॉबलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस प्रॉबिबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तो वहाँ पे ये वाला केस बनेगा जो यहाँ पे इवन सॉरी ऑड होंगे ऑड नंबर ऑफ केसेस मतलब ए बी सी अब यहाँ पे कहाँ एक केस -एक आ रहा है ए बी एक ही है बी भी एक ही है सी भी एक ही है थ्री केस आ रहे हैं मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी थ्री आ रहे हैं तो यहाँ पे वन हो गया थ्री हो गया इस टाइप के फाइव हो गया और जो नंबर्स आएंगे ऑर्ड केसेज यहाँ पे अपीयर होंगे वो तो प्लस का साइन के साथ आएगा और जो इवन केसेस अपीयर होंगे यहाँ पे दो केस हो रहे हैं ए बी बी सी दो केस आ रहे हैं सी ए दो केस आ रहे हैं चार वाला केस आ गया कोई तो वहाँ पे माइनस के साइन के साथ होगा ठीक है तो इसको याद रखने का ये तरीका है कि अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ इवेंट्स आ रहे हैं ठीक है तो वहाँ पर आपको प्लस का साइन यूज़ करना है अगर सॉरी और नंबर ऑफ इवेंट्स आ रहे हैं तो वहाँ पर प्लस का साइन यूज़ करना है और इवन नंबर ऑफ इवेंट्स आ रहे हैं तो वहाँ पर माइनस का साइन यूज़ करना है दो केसेस जैसे सी ए दो केस हो गए बी सी दो केस हो गए ए बी दो केस हो गए तो वहां पे इवन नंबर है तो माइनस का साइन आएगा बाहर अगर एक ही केस है ए एक है बी एक है सी एक है यहाँ पे ए बी सी तीन आ रहे हैं ठीक है तो वहां पे प्लस का साइन यूज होगा ऑड केस में ठीक है तो अब हम एग्जाम्पल पे चलते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है हर्ड कंटेन्स थर्टी काउज नंबर्ड फ्रॉम वन टू थर्टी वन काओ इज़ सेलेक्टेड एट रैंडम फाइंड द प्रॉबिलिटी दैट नंबर ऑफ सेलेक्टेड काओ इज़ अ मल्टीपल ऑफ फाइव और सिक्स अब यहाँ पर हमें क्या चीज़ बतानी है कि कहते हैं कि थर्टी काउज हैं हमारे पास सब पे नंबर लिखे हुए या वन से लेके थर्टी तक के अब उनमें से एक काओ हमने सेलेक्ट करी अब उस पर ये बताना है हमको प्रॉबिलिटी कि नंबर जो सिलेक्ट करिए हमने कहा उस पर जो नंबर लिखा हुआ है वो मल्टीपल ऑफ फाइव और सिक्स है अब आइदर फाइव और सिक्स है जब और का बात आ जाए तो वहां पे हमें सर क्या यूज़ करना होता है यूनियन वाला केस यूज करना है है ना तो वहां पे ए यूनियन बी बताना है मतलब तो सबसे पहले तो ए और बी डिफाइन करने पड़ेंगे तो ए और बी क्या हो जाएगा ए इवेंट हमने ले लिया कि नंबर बींग सेलेक्टेड इज मल्टीपल ऑफ फाइव अब वन से लेके थर्टी तक के हैं तो वन से लेके थर्टी तक के 30 जितने मल्टीपल्स होंगे फाइव के वो वो लेके चलेंगे हम ठीक है बी इवेंट हमने ले लिया कि द नंबर बीइंग अ मल्टीपल ऑफ सिक्स अब सिक्स में जितने भी थर्टी तक के मल्टीपल्स होंगे सिक्स के टेबल में वो वो यहाँ पे बी में सेलेक्ट कर लेंगे हम ठीक है तो फेवरेबल केसेस कितने हो गए फेवरेबल केसेस फॉर द इवेंट ए आर अ फाइव के टेबल में थर्टी तक के नंबर्स फाइव एन साफ फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव और थर्टी ठीक है तो ये सारे के सारे केसेस हो गए कितने केस बन गए यहाँ पे सिक्स केस बन गए ठीक है सिमिलरली फेवरेबल केसेस फॉर इवेंट बी आर बी के लिए सिक्स से मल्टीपल सिक्स का मल्टीपल लिया था हमने तो सिक्स के मल्टीपल कितने हो गए सिक्स ट्वेल्व एटीन ट्वेंटी फोर और थर्टी तो ये वाले मल्टीपल्स हो गए ठीक है अब हम प्रॉबिलिटीज़ निकालेंगे क्योंकि हमें चाहिए प्रॉबिलिटी ऑफ ए तो प्रॉबीबिलिटी ऑफ द नंबर बींग अ मल्टीपल ऑफ़ फाइव इज प्रॉबिबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रॉबिलिटी ऑफ ए कितना हो गया हमारे पास कितने केसेस थे फेवरेबल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स केस थे ठीक है तो सिक्स केस थे तो सिक्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हमारे पास थर्टी तो सिक्स अपॉन में थर्टी ए की प्रॉबिलिटी होगी सिमिलरली द प्रॉबलिटी ऑफ द नंबर बींग मल्टीपल ऑफ सिक्स विद इन थर्टी मतलब थर्टी तक के सिक्स के मल्टीपल्स कितने हो जाएंगे उसकी प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग बी इज अब बी में कितने इवेंट्स फेवरेबल थे सिक्स ट्वेल्व एटीन ट्वेंटी फोर थर्टी मतलब फाइव इवेंट्स थे तो फाइव अपॉन में थर्टी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गई ठीक है अब सिंस थर्टी इज अ मल्टीपल अब दोनों में सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या नहीं ठीक है तो अब यहाँ पे दोनों में कुछ कॉमन केस आ रहा है कि नहीं आ रहा तो ये चेक कर लो कॉमन केस यहाँ पे दोनों में बन रहा है थर्टी है ना तो कॉमन केस आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये इवेंट्स जो हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है ठीक है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे इंटरसेक्शन वाला पार्ट लेना है हमको तो सिंस थर्टी इज़ अ मल्टीपल ऑफ बोथ फाइव एंड सिक्स ठीक है तो बोथ फाइव और सिक्स का मल्टीपल आ रहा है इंटरसेक्शन वाला पार्ट आ रहा है कॉमन पार्ट आ रहा है तो देरफोर इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं रहे इवेंट्स ठीक है सो प्रॉब्लिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ बोथ फाइव एंड सिक्स अब कितने केसेस हैं जो दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं सिर्फ एक ही केस है थर्टी वाला तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो गया वन अपॉन में टोटल केस कितने थे थर्टी तो वन अपॉन में थर्टी ए इंटरसेक्शन बी की प्रॉबिलिटी होगी तो हमारे पास टोटल केस क्या बनता है मतलब पूरा फॉर्मूला क्या बनता है द प्रोबिलिटी दैट द नंबर ऑफ सिलेक्टेड गाओ इज़ अ मल्टीपल ऑफ फाइव और सिक्स इज गिवन बाय प्रोबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो ए की प्रॉबिलिटी सिक्स अपॉन थर्टी प्लस फाइव अपॉन थर्टी माइनस वन अपॉन थर्टी तो ये बन जाएगा टेन अपॉन थर्टी बनेगा तो ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल होकर वन अपॉन्ट थ्री आ जाएगा और अब तक हमने जितनी भी स्लाइड्स करी हैं आप उसमें नोट करना कि प्रॉबिलिटी हमेशा ज़ीरो और वन के बीच में लाई करेगी जो चाहे उसको पॉइंट्स में निकाल के देखना आपको ज़ीरो और वन से बड़ी वैल्यू नहीं मिलेगी जीरो और वन के बीच की ही वैल्यू मिलेगी वन से बड़ी नहीं मिलेगी जीरो से छोटी नहीं मिलेगी

टू और थ्री और टेन तो ए बी सी तीन वाला केस हो गया यहाँ पे ठीक है तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि टू के मल्टीपल्स कितने हैं टू के मल्टीपल्स हमने टू से वन से लेकर कर फिफ्टी तक में जितने टू के मल्टीपल्स आएंगे वो हमने लिख दिए यहाँ पे तो टोटल केसेस बने यहाँ पे ट्वेंटी फाइव देख आप देख सकते हैं टू फोर सिक्स एट टेन ये सारे काउंट करोगे तो ट्वेंटी फाइव केसेज बनेंगे ठीक है ऐसे ही मल्टीपल्स ऑफ थ्री निकाले हमने थ्री के टेबल में जितने थर्टी तक के बीच में आते हो सॉरी फिफ्टी तक के बीच में आते होंगे वो सारे हमने लिख दिए थ्री सिक्स नाइन अप टू फोर्टी एट ठीक है 3, 6, 9, तो ये केसेस आप काउंट करोगे तो ये सिक्सटीन केस बनेंगे ठीक है एक हमने लिया टू थ्री और टेन तो टेन के मल्टीपल्स जब हमने निकाले तो टेन के मल्टीपल्स टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी फाइव मल्टीपल्स बने हमारे पास ठीक है और लास्ट केस हमने लिया क्योंकि ऐसे केस भी होंगे जो तीनों के टेबल में आते हो ठीक है तो मल्टीपल्स ऑफ टू थ्री एंड टेन तीनों के मल्टीपल कॉमन मल्टीपल जो टू के टेबल में भी है थ्री के टेबल में भी है और टेन के टेबल में भी है तो यहां पे आप देख सकते हैं कि थर्टी यहां भी आ रहा है थर्टी यहां भी आ रहा है और थर्टी यहां भी आ रहा है बाकी कोई अपीयर नहीं हो रहा है लेकिन थर्टी तीनों केसेस में अपीयर हो रहा है तो यहाँ पे थर्टी कॉमन मल्टीपल बन जाएगा और टोटल नंबर ऑफ केस कितने हैं यहाँ पे वन ठीक है तो ये चीज हमने बनाई अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या करेंगे हमें क्या चाहिए वट इज़ द प्रोबिलिटी दैट इट विल बी अ मल्टीपल ऑफ टू थ्री और टेन तो सबसे पहले इवेंट ए हमने डिस्कस कर लिया प्रॉबलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ टू तो मल्टीपल ऑफ टू आने के कितने चांसेस थे ट्वेंटी फाइव केसेज थे टोटल केसेज टोटल एग्जॉस्टिव इवेंट्स कितने थे फिफ्टी क्योंकि फिफ्टी नंबर्स थे हमारे पास तो ट्वेंटी फाइव अपॉन फिफ्टी प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ थ्री मतलब बी इवेंट हमने ले लिया थ्री आने का मल्टीपल तो प्रॉबिलिटी ऑफ बी कितना हो गया हमारे पास न अपॉन में ट्वेंटी सॉरी फिफ्टी सिक्सटीन अपॉन में फिफ्टी क्योंकि सिक्सटीन केसेस थे और वहाँ से हमने फिफ्टीन फिफ्टी टोटल केसेस थे तो सिक्सटीन अपॉन में फिफ्टी हो गया प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ टेन टेन के मल्टीपल जब हम लेके चलेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कितने केसेस थे हमारे पास फाइव केसेस थे टोटल तो फाइव केसेस थे तो, तो, तो वहाँ पे कितना हो जाएगा फाइव अपॉन में फिफ्टी अब यहां पे क्या करना है हमको ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए भी लेके चलना है मतलब ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स अब ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स देखोगे तो यहाँ पे ट्वेल्व मिलेगा आपको ठीक है और क्या मिलेगा एटीन मिलेगा ट्वेंटी फोर मिल रहा है थर्टी मिल रहा है तो यहाँ पे वो केसेस देखने हैं जो इन दोनों में ए और बी में कॉमन हो ठीक है थर्टी सिक्स मिल रहा है और साथ में फोर्टी टू और फोर्टी एट फोर्टी टू और फोर्टी एट तो ये कितने केसेस हो गए ये ऐसे केसेस हैं जो ए और बी में कॉमन है तो ए इंटरसेक्शन बी लेके चलेंगे यहाँ पे ठीक है ए इंटरसेक्शन बी में लेके चलेंगे तो कितने केसेस आ गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन केसेस ऐसे हैं सेवन केस बने हैं वन टू सिक्स भी है सच एक सिक्स रह गया सिक्स थ्री सिक्स नाइन एट केसेस ऐसे बने हैं तो एट केसेस हमारे पास ऐसे मिल गए जो ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन पार्ट थे ऐसे ही हम बी इंटरसेक्शन सी लेंगे बी इंटरसेक्शन सी में क्या क्या कॉमन आ जाएगा जो थ्री और टेन के टेबल में हो बी और सी ए ए हमारे पास ये था बी हमारे पास ये था और सी हमारे पास ये था तो अब बी और सी में कितने क्या क्या कॉमन आएगा हमारे पास सिर्फ यहाँ पे थर्टी ही कॉमन आ रहा है थर्टी इसमें भी आ रहा है थर्टी इसमें भी आ रहा है और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो यहाँ पे वन केस ऐसा होगा जो इसको वो करेगा सपोर्ट करेगा तो वन अपॉन में फिफ्टी ऐसे ही सी इंटरसेक्शन जब ए लेंगे तो सी इंटरसेक्शन ए में इन दोनों केसेस में से देखेंगे तो इन दोनों केसेस में से टेन हो गया ट्वेंटी हो गया थर्टी फोर्टी फिफ्टी तीनों केसेस पांचों केसेस ऐसे होंगे जो टू और टेन से डिविजिबल होंगे टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी और फिफ्टी तो यहाँ पे पांचों केसेस हो जाएंगे तो फाइव अपॉन में फिफ्टी हो जाएगा ठीक है तो फाइव अपॉन में फिफ्टी इसी इंटरसेक्शन में हो गया अब एक चीज़ हमें चाहिए कि तीनों की इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तो वहाँ पे एक केस आया था हमारे पास हमने लेके चले थे एक केस तो वन अपॉन में फिफ्टी हो जाएगा सॉरी वन अपॉन में फिफ्टी हो जाएगा उसका केस तो अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि ए यूनियन बी यूनियन सी किस तरीके से निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस इंटरसेक्शन ऑफ ए बी माइनस इंटरसेक्शन ऑफ बी सी माइनस इंटरसेक्शन ऑफ सी ए प्लस इंटरसेक्शन ऑफ ए बी सी तो ये चीज़ आ जाएगा हमारे पास तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे ए की प्रोबेबिलिटी ट्वेंटी फाइव बाई ट्वेंट सॉरी ट्वेंटी फाइव बाई फिफ्टी आएगा यहाँ पे इसको ट्वेंटी फाइव अपॉन फिफ्टी ठीक है सिक्सटीन अपॉन फिफ्टी फाइव अपॉन फिफ्टी माइनस एट अपॉन फिफ्टी माइनस फिफ्टी माइनस फाइव अपॉन फिफ्टी प्लस वन अपॉन फिफ्टी तो इसको सॉल्व आउट करोगे तो थर्टी थ्री अपॉन में फिफ्टी आपको आंसर मिल जाएगा तो ये इसको करेक्ट कर लेना ये ट्वेंटी फाइव अपॉन फिफ्टी है ठीक है तो ट्वेंटी फाइव अपॉन फिफ्टी तो इसका थर्टी थ्री अपॉन फिफ्टी इसका आंसर बन जाएगा तो नेक्स्ट इज हमारे पास कंसिडर अ पैक ऑफ फिफ्टी टू प्लेइंग कार्ड्स फिफ्टी टू कार्ड्स हैं हमारे पास तो हमने उस कार्ड में से एक कार्ड रैंडमली सिलेक्ट किया कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज़ आइदर अ डायमंड और अ टेन अब हमें चाहिए एक कार्ड आइदर अ डायमंड और अ टेन इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि आइदर डायमंड और अ टेन ठीक है तो सबसे पहले हम इवेंट्स कंसिडर करेंगे अब यहाँ पे इवेंट्स क्या होंगे हमारे पास इवेंट ए हम लेके चले कि डायमंड इज़ सेलेक्टेड इवेंट दायमंडलेक्टेडेंट इज है दो इवेंट्स हमने बना लिया को ले लिया कि आया। जो भी हमने उठाया वो डायमंड हो गया ठीक है बी इवेंट हमने लिया कि जो हमने कार्ड उठाया वो टेन निकल के आया तो प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्या हो जाएगा क्योंकि डायमंड के कार्ड्स कितने होते हैं थर्टीन कार्ड होंगे हर एक उसके डायमंड के कितने हो गए थर्टीन और टोटल पैक कितने थे फिफ्टी टू तो थर्टीन अपॉन फिफ्टी टू डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी थर्टीन अपॉन फिफ्टी टू एक हमने लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो गया इवेंट ऑफ गेटिंग अ टेन अब टेन कितने होंगे हर एक पैक में टेन एक एक टेन होगा एक डायमंड का एक क्लब का एक स्पेड का और एक हार्ट का ठीक है तो चार चार टेन होंगे हमारे पास हर एक उसके कलर के ठीक है तो चार टेन होंगे अपॉन में टोटल कार्ड्स कितने फिफ्टी टू टू फो तो फोर अपॉन में फिफ्टी टू ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगी अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये केसेस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं अब हम ये चेक करेंगे कि यहाँ पे दोनों में कुछ कॉमन निकल के आता है क्या जो डायमंड है वो टेन हो सकता है या जो टेन आया है वो डायमंड हो सकता है बिल्कुल हो सकता है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन वाला पार्ट भी इंक्लूड होगा वहाँ पे क्योंकि कॉमन चीज आ गई दोनों में कि जो जो कार्ड आया है वो टेन भी हो डायमंड भी हो है ना तो वहाँ पे इंटरसेक्शन इवेंट ए इंटरसेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ दैट कार्ड विच इज टेन ऑफ डायमंड टेन ऑफ डायमंड कितने कार्ड ऐसे होंगे जो टेन भी हो और डायमंड हो एक ही कार्ड होगा ठीक है तो वन अपॉन में फिफ्टी टू तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो यहाँ पे ये चीज़ सबसे पहले देखनी होती है कि हमारे पास जो इवेंट्स हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं ध्यान रखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो होंगे हो जो एक का इफेक्ट दूसरे पर कभी पड़े ही ना जो दोनों अलग अलग हों एक अलग हो ए इवेंट अलग हो बी इवेंट अलग हो जिसमें कुछ कॉमन पार्ट ना हो और नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऐसे होंगे जिनमें कुछ ना कुछ कॉमन कॉमन निकल के आए सिमिलैरिटी निकल के आए या फिर दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हों सम इन सम वे ओके तो जो इवेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं कुछ कॉमन आ रहा है तो वो वहाँ पे इंटरसेक्शन वाला पार्ट इंक्लूड होगा अगर दोनों अलग अलग हैं बिल्कुल ही अलग हैं जिनमें कुछ कॉमन पार्ट है ही नहीं तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें प्रॉबिलिटीज़ को ऐड करना है उसमें कुछ माइनस करने की ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पे इस केस में क्या हो गया थर्टीन अपॉइन फिफ्टी टू फोर बाय फिफ्टी टू और माइनस वन बाय फिफ्टी टू तो इसको सॉल्व आउट करोगे तो सिक्सटीन अपॉइन फिफ्टी टू आ जाएगा कैंसिल भी कर सकते हो आप कैंसिल आउट करके पॉइंट्स में निकाल सकते हो ठीक है तो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं तो अ बैग कंटेन ट्वेंटी बॉल्स ट्वेंटी बॉल्स हैं एक बैग में थ्री आर रेड फोर आर ग्रीन सॉरी सिक्स आर ग्रीन फोर आर ब्लू and two color two are colored white and five are colored yellow तो so red green blue white और yellow ये पांच colors हैं हमारे पास ठीक है one ball is selected at random find the probability of following events अब एक ball उसमें से select करी है और यहाँ पे events की probability बतानी है कि जो a part first part में दे रखा है हमको कि the ball is either green or red इधर रेड और ग्रीन इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस केस में क्या है अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे अगर रेड आई अगर वो बॉल हमने निकाली रेड आई तो ग्रीन की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई अगर ग्रीन आई तो रेड की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई तो मतलब एक ही इवेंट अगर कर सकता है दोनों के दोनों रेड भी आ जाए ग्रीन भी आ जाए एक बॉल निकालिए वही रेड हो वही ग्रीन हो ऐसा तो नहीं हो सकता तो यहाँ पे कॉमन पार्ट की पॉसिबिलिटी जो है वो कैंसिल हो रही है खत्म हो रही है तो यहाँ पे नाउ इन दिस केस दिस इज द केस इन विच द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दैट इज द हैपनिंग ऑफ वन प्रिक्लूड्स द हैपनिंग ऑफ अदर फॉर एग्जाम्पल इफ द बॉल ड्रॉन इज रेड दैन इट एक्सक्लूड्स द पॉसिबिलिटी दैट ऑफ गेटिंग अ बॉल ऑफ एनी अदर कलर अगर वो रेड आ जाती है तो वो ग्रीन नहीं होगी ब्लू नहीं होगी व्हाइट नहीं होगी येलो नहीं होगी ठीक है तो और कलर की तो आ ही नहीं सकती वो तो एक ही कलर एक टाइम पे एक कलर मिलेगा एक टाइम पे हमें दो कलर नहीं मिल सकते तो वहाँ पे इंटरसेक्शन वाला केस नहीं हो सकता कॉमन पार्ट नहीं हो सकता यहाँ पे सिंपल हमें क्या करना है अगर हमें रेड और ग्रीन की वो चाहिए प्रोबेबिलिटी चाहिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आर यूनियन जी आर फॉर रेड जी फॉर ग्रीन तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी थ्री में ट्वेंटी क्योंकि थ्री केसेस हैं अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान करना कि लास्ट वीडियो में हमने एक चीज़ की थी कॉम्बिनेशन वाला सीन कॉम्बिनेशन uh, वाले एग्जांपल किए थे कि अगर एक बैग है उसमें से दो बॉल्स निकाली है तो उसमें सिक्स रेड कलर हैं ठीक है और टू वाइट कलर हैं तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ तो सिक्स सी टू ले चलते थे वहाँ पे हम है हाँ ना तो इस तरीके से करते थे अपॉन में टोटल जो है एट उसमें से टू निकालनी है तो एट सी टू यहाँ पर हमने ऐसा कुछ नहीं किया क्यों क्योंकि वहाँ पे हम करते थे एक से ज़्यादा बॉल एक टाइम पे ड्रॉ करते थे अब यहाँ पे हम एक ही बॉल ड्रॉ कर रहे हैं और उसी की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो जब हमें ज़्यादा बॉल ड्रॉ करनी हो दो यो दो हो तीन हो चार हो तो उस केस में हम कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं और जितनी हमें निकालनी है जैसे रेड हमें चाहिए दो तो सिक्स सी टू करेंगे और एक रेड और एक वाइट चाहिए तो सिक्स सी वन मल्टीप्लायर टू सी वन कि वाइट में से भी एक आए और एक रेड में से आए तो रेड जितनी है सिक्स रेड है तो उसमें से एक चाहिए तो सिक्स सी वन और वाइट में से भी एक चाहिए तो टू सी वन अपॉन में एट सी टू क्योंकि टोटल एट हैं और उसमें से टू निकाल लिया तो एट सी टू ठीक है लेकिन जब केसेस हमारे पास ऐसे हो कि वहाँ पे, जहाँ पे एक ही बॉल ड्रॉ करी है हमने ठीक है अब जब एक ही बॉल हम ड्रॉ करते हैं किसी भी उसमें तो वहाँ पे हम क्या करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ उसको इंक्लूड करेंगे जो हमारे पास अब जैसे रेड हमारे पास सिक्स रेड हैं और टू वाइट हैं ठीक है एक बॉल निकाली निकाल लिया और उसी को हमने वाइट वाइट बताना है तो वाइट जितने होंगे टू अपॉन में टोटल कितने होंगे एट तो टू अपॉन में एट हो जाएगा तो उसकी प्रॉबलिटी हम सिंपल ऐसे निकाल सकते हैं ठीक है तो जब दो से ज्यादा दो या दो से ज्यादा बॉल्स हों तो उसमें कॉम्बिनेशन का यूज करना पड़ता है लेकिन अगर सिंपल एक ही बॉल निकाल रहे हैं हम किसी उसमें से तो हम सिंपली नंबर ऑफ वाइट बॉल्स या जो भी निकालना नंबर ऑफ फेवरेबल बाय में टोटल नंबर ऑफ केसेस वहाँ पे प्रोबेबिलिटी के उसे निकालते हैं तो यहाँ पे रेड के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी थ्री अपॉन ट्वेंटी प्लस ग्रीन के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी सिक्स अपॉन ट्वेंटी तो टोटल केसेस हो गए हमारे पास नाइन अपॉन ट्वेंटी अब ऐसे ही नेक्स्ट में क्या कहता है द बॉल इज़ नॉट ब्लू द बॉल इज़ नॉट ब्लू तो ब्लू नहीं चाहिए हमें तो यहाँ पे हमने एक चीज़ करी थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ब्लू इज इक्वल टू वन ठीक है तो ब्लू नहीं हो नॉट ब्लू का मतलब क्या हो गया वन माइनस प्रॉबलिटी ऑफ ब्लू ठीक है तो ब्लू नहीं होने का मतलब क्या होगा कि वन माइनस प्रॉबलिटी ऑफ ब्लू कर दो तो वो वहां पे क्या बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बन जाएगा ठीक है तो यहाँ पे नॉट ब्लू का मतलब प्रॉबिलिटी ऑफ बी बार यहाँ पे बार लगा देंगे ना यहाँ प्रॉबिलिटी ऑफ बी बार नॉट ब्लू इज इक्वल टू वन माइनस प्रोबलिटी ऑफ ब्लू हो जाएगा तो वन माइनस प्रॉबिलिटी ऑफ ब्लू का मतलब क्या हुआ कि ब्लू की देख लो कितनी प्रॉबिलिटी है ब्लू आने की प्रॉबिलिटी कितनी है फोर ब्लू हैं अपॉन में ट्वेंटी बॉल्स हैं तो वह फोर बाय ट्वेंटी हो गया तो वन माइनस फोर अपॉन ट्वेंटी कर सकते हैं हम उसको तो कितना बनेगा सिक्सटीन अपॉन ट्वेंटी इस क्वेश्चन को आप एक और तरीके से भी कर सकते हो नॉट गेटिंग ब्लू पूछा है इसने प्रॉबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ब्लू तो नॉट गेटिंग ब्लू में क्या हो जाएगा या तो वो रेड हो या वो ग्रीन हो या वो वाइट हो या वो येलो हो ये केसेस भी आ सकते हैं तो आप सिंपल क्या कर सकते हो रेड यूनियन ग्रीन यूनियन वाइट यूनियन येलो तो सबको ऐड कर दो रेड को प्लस ग्रीन को प्लस वाइट को प्लस येलो को रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी थ्री अपॉन ट्वेंटी ग्रीन आने की सिक्स अपॉइन्ट ट्वेंटी वाइट आने की टू अपॉइंट ट्वेंटी और येलो आने की फ़ाइव अपॉइन्ट ट्वेंटी इसको एडअप करोगे तो कितना बनेगा सिक्सटीन अपॉन ट्वेंटी वही चीज़ आ जाएगी आपके पास सिक्सटीन अपॉन ट्वेंटी जो यहाँ पे आया था तो ये आंसर आपको सेम देगा तो आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो इसको ठीक है तो एक मतलब एक लॉ में कई सारे रूल्स लग सकते हैं कोई भी रूल आप लगा सकते हो ठीक है चलिए नेक्स्ट में क्या है द बॉल इज आइदर रेड और वाइट और ब्लू रेड व्हाइट और ब्लू चाहिए अब हमें जो बॉल निकल के आई है वो या तो रेड हो या व्हाइट हो या फिर ब्लू हो ये चीज हमें निकालनी है ठीक है तो रेड व्हाइट और ब्लू तो यहाँ पे क्या है या तो सिंपली आप क्या करो रेड प्लस व्हाइट प्लस ब्लू कर लो ठीक है क्योंकि हमें रेड प्लस व्हाइट प्लस ब्लू चाहिए तो इसको भी आप दो तरीके से कर सकते हो इन तीनों को आप ऐड कर लो क्योंकि रेड आएगी अगर बॉल तो वाइट और ब्लू की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी और अगर ब्लू आएगी वाइट आएगी तो रेड और ब्लू की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी ब्लू आएगी तो रेड और वाइट की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी तो यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूसिव तो है ही इवेंट्स ठीक है तो आप तीनों को एडअप्ट कर सकते हो तो रेड प्लस वाइट प्लस ब्लू करोगे तो कितना आएगा रेड आने की प्रॉबिबिलिटी थ्री अपॉइंट ट्वेंटी व्हाइट आने की प्रॉबिबिलिटी आपके पास कितनी हो जाएगी टू अपॉइंट ट्वेंटी और ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी फोर अपॉन ट्वेंटी तो आपको आंसर मिलेगा नाइन अपॉन ट्वेंटी ठीक है अगर आप इसको दूसरे वे में करते हो दूसरे वे में क्या हो जाएगा हमारे पास अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री लेके चलें कॉम्प्लीमेंट्री में क्या है कि अगर हम इसको अब रेड वाइट और ब्लू चाहिए हमें ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रीन और येलो नहीं आएगी हमारे पास तो वन माइनस ग्रीन और येलो कर सकते हैं वन माइनस प्रोबिलिटी ऑफ ग्रीन यूनियन वाई तो ग्रीन आने की प्रॉबीबलिटी कितनी है हमारे पास ग्रीन आने की प्रॉबीबिलिटी कितनी है सिक्स अपॉन में ट्वेंटी और येलो आने की प्रॉबीबिलिटी कितनी है फाइव अपॉन में ट्वेंटी तो इलेवन अपॉन में ट्वेंटी आपके पास आंसर आ गया इसका ठीक है अब हमें क्या करना है क्योंकि हमें रेड और ब्लू और वाइट चाहिए तो इसका मतलब प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड प्लस वाइट प्लस ब्लू प्लस ग्रीन प्लस येलो इज इक्वल टू वन होगा क्योंकि सारे इवेंट्स को अगर हम प्लस करें तो वो प्रोबेबिलिटी वन देता है ठीक है तो अगर हमें रेड वाइट ब्लू चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं ग्रीन और येलो को वन में से माइनस कर सकते हैं तो वन माइनस ग्रीन और येलो तो वन माइनस इलेवन बाई ट्वेंटी विच इज इक्वल टू नाइन बाय ट्वेंटी तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो कॉम्पली कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का एग्जाम्पल करके यहाँ से भी कर सकते हो और आप सिंपली रेड प्लस वाइट प्लस ब्लू भी कर सकते हो ठीक है तो दोनों में से कोई भी केस आप ले सकते हो सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड आई विल बी देयर वेरी सून विद माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन स्टे होम स्टे सेफ एंड राधे राधे